Good morning, guys. Good morning from Leh. And today we are leaving for Hanle. तो हानले का जो रास्ता है वो काफ़ी जितने लोग बता रहे हैं अच्छा है, और इवन गूगल मैप में 5 घंटा दिखा रहा है 253 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। तो एक साल में दूसरी बार ले, अब देखो कब आना होता है। होगा जल्दी वापस आना होगा। और अभी हम लोग ले के आउटर साइड में हैं, हम लोग हानले के रास्ते में हैं। और भाई क्या शानदार रास्ता है यार, ये बहुत ही स्मूथ टारमैक, प्लस आजू बाजू इतने ऐसी हरियाली पेड़, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ गाड़ी चलाने में। अभी डिस्टेंस जो बचा है वो 233 किलोमीटर बचा है। अच्छा, आज मेरे को मेरा एक दोस्त मिला जो पिछले साल जो हमारा जिसने हमारे को पूरा ये टूर करवाया था, वही आरडी। बड़ा मज़ा आया और सरप्राइजिंगली मिला, ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं अपना जेरी कैंस में फ्यूल वगैरह डलवा रहा था एंड सडनली मैंने जैसे पलटा वो सामने खड़ा हुआ था। और खैर मैं तो हेलमेट वगैरह पहना था तो वो पहचाना नहीं, फिर मैं जाके मिला एंड इट वॉज़ गुड। बट इस बार मौसम के वजह से ले में हालत थोड़ी ख़राब है, बिज़नेस काफ़ी डाउन है क्योंकि गेट्स नहीं खुले हैं, मौसम बहुत ठंडा है और अनएक्सपेक्टेड मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं। अभी हम लोग आर्मी के कैंटीन में रुके थे, यहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं खाने को, मैगी थी बस। और इनका एक सेंटर जैसे था जहाँ पे कपड़े वगैरह थे आर्मी ग्रेड, तो भाई रहा नहीं गया मेरे से, मैंने एक जैकेट ले लिया, बहुत ही बढ़िया। अब रखने की जगह तो नहीं थी मगर किसी तरीके से उसको बंजी कॉर्ड में बांध दिया हूँ टॉप बॉक्स के ऊपर, ठीक है काम कर लेगा। हाँ, वो वैसे भी झिल्ली में अच्छे से पैक्ड है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मज़ा आ गया, ये लोग आगे निकल गए हैं क्योंकि मैं पैकिंग वगैरह कर रहा था, तो लोग बोले हम लोग आगे चलते हैं, बोला ठीक है। और क्या मैगी थी भाई, क्या मैगी थी। मुझे मैगी बिल्कुल नहीं पसंद मगर ज़बरदस्त मैगी बनी थी। ठीक है, भूल जाता हूँ हमेशा मोबाइल कहाँ रखा हूँ। तो अब हानले जो है वो है 146 किलोमीटर्स, ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग मेरे ख्याल से चुमथांग में रुकेंगे जो कि सिर्फ 27 किलोमीटर्स है यहाँ से। बाकी यार एक नंबर मज़ा आ गया। और एक मैंने वो जो मफलर जैसा होता है ना वो भी लिया हूँ फुल रोल। आई लव क्यारी, क्यारी में पेट्रोल पंप वगैरह एक नहीं है। पूरा ये पूरा एरिया जो है मिलिट्री बेस कैंप जैसे ही है काफ़ी। ब्रदरहुड, बाइकर्स ब्रदरहुड। तो अभी माहे के चेक पोस्ट में हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस नाम वाम दिखाना रहता है और कुछ नहीं। अभी 2-3 किलोमीटर तक ऐसे ही ख़राब रास्ता है, उसके बाद रास्ता आगे जाके ठीक होगा। पिछले 4-5 किलोमीटर से तो ऐसे ही चल, 5 नहीं शायद 10 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है रास्ता, और आने वाले 2-3 किलोमीटर ऐसा बोले हैं जो चेक पोस्ट में थे उन लोग कि 2-3 किलोमीटर ऐसे ही रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। तो चलते रहते हैं, देखते हैं
जब ठीक हो जाए। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसे ही रहे रास्ता ना, मगर ये अजीब से बम्प्स हैं इसमें पूरे रास्ते में। अरे भाई बहुत ही मज़ेदार रास्ता है ये, बिल्कुल मोरे प्लेन्स का वो दे रहा है, वाइब दे रहा है। सीधा सीधा बढ़िया रास्ता है, जैसे देखोगे एकदम खुला खुला चारों तरफ। एंड अभी जस्ट हम लोग ने एक आर्मी का बहुत बड़ा कॉन्वॉय है वो क्रॉस किए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्रेजी, हेलो, कसम क्या रास्ता है यार। बड़े बड़े टैंक हैं साले जा रहे हैं।
फुर्सत से रुके, फ़ोटो वोटो खिंचाए, वेद की गाड़ी में पेट्रोल डाले एंड वी आर ऑल सेट टू मूव नाउ। क्या उसका खाली हो गया? दिस इज इंडस रिवर ब्रो, दिस इज इंडस रिवर। अभी तक के पिछले साल जब मैं आया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मोरिक लेंस वाला रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है, बट इसके सामने कुछ नहीं है भाई। वो शानदार। तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आता, लोग दुबई क्यों जाते हैं डेजर्ट सफारी करने? सब यही है भाई, सब यही है। इंडिया थोड़ा घूम के तो देखो, कुछ नहीं है इससे खूबसूरत। ओनली 41 किलोमीटर्स। हाँ तो भाई यहाँ हम लोग हाल ही एंटर कर गए हैं और जो ऑब्जर्वेटरी है वो उस साइड पे है, उधर ऊपर दिख रही है। और ये रहा वेलकम टू हानले का बोर्ड। अब कोई जगह ढूंढते हैं फिर बात करते हैं। हाँ तो यार हम लोग पहुँच गए हैं हानले और भाई यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही शानदार है। ये अपनी बाइक्स खड़ी हैं इधर साइड पे, ये वाला अपना रूम है और ये है हमारा होम स्टे। होम स्टे का नाम मेरा से दिख नहीं रहा। खैर जगह देख लो, बहुत सॉलिड है, बढ़िया जगह है, अंदर भी सब सही है, रूम बहुत बड़े बड़े हैं, ठंडी लग रही है। ये किचन वगैरह है इनका और ये रहा रूम, चारों बेड एक साथ, ये लड़का आराम करते हुए। और यहाँ से अपनी बाइक्स दिख रही हैं, वहाँ भी लड़का अपना टॉप बॉक्स लगा रहा है। फिर अभी 8 बजे खाएंगे खाना, फिर 11 बजे कुछ खाएंगे और फिलहाल कुछ प्लान नहीं, कल करेंगे उमलिंगला, रात में लेंगे मिल्की वे का वीडियो, कोशिश करेंगे। बाकी जगह पूरी खाली पड़ी ऐसा लग रहा है, हम ही लोग हैं, 4 लोग ऐसा लग रहा है बट है नहीं, और भी लोग हैं कुछ। आगे कुछ शूट तो शायद नहीं करूँगा, बादल भी आ गए हैं यार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट चलो होप फॉर द बेस्ट और लाइक मने रहो, क्योंकि कल होगा उमलिंगला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।